हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इम्तियाज़ और यहाँ पर आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करूँगा जिसका नाम है डायनाबोल। जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं या फिटनेस का शौक रखते हैं, तो ऐसे सभी तरह के लोगों ने डायनाबोल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई जिम ट्रेनर हो गया या आपका कोई फ्रेंड्स हो गया और वो आपको डायनाबोल सजेस्ट कर रहा है या खाने के लिए बोल रहा है, तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों का कहना बिल्कुल ना माने, क्योंकि डायनाबोल एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ड्रग है और ये आपके लिए कितना ख़तरनाक या ख़राब हो सकता है आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वैसे तो डायनाबोल को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या मसल्स मास बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। डायनाबोल का असली नाम, मतलब केमिकल नेम, मेथेंड्रोस्टेनोलोन होता है। FDA ने डायनाबोल पर रिसर्च किया और बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ड्रग होता है, तो USA में डायनाबोल को बैन कर दिया गया है। ये डायनाबोल जो होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी अच्छा करता है, ये नाइट्रोजन को रिटेन करने में मदद करता है। नाइट्रोजन जो होता है वो 60% तक बॉडी टिश्यूज को बनाता है। ये ग्लाइकोजेनेसिस में भी मदद करता है। होता क्या है कि आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और उसको आसानी से खाने में मदद करता है और इससे बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी प्राप्त होती है। जो लोग एनाबोलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, उनकी एक वजह यह भी होती है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि अच्छा दिखने के लिए वो डायनाबोल का यूज़ करते हैं। डायनाबोल आपकी बॉडी में पानी को होल्ड करती है। सब क्यूटेनियस फैट और स्किन के अंदर पानी जमा हो जाता है, जिससे आप फूले फूले से लगने लगते हैं। बात करते हैं एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स की। बहुत लोगों की स्किन ऑयली हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्नी बॉडी पर देखने को मिलती है, और ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स डायनाबोल को बंद करने के बाद में भी देखने को मिलते हैं, और ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी के सिस्टम को बहुत लंबे टाइम तक घेरे रहते हैं। पॉइंट की बात करते हैं, डायनाबोल को लेने से BP हाई का रिस्क भी बना रहता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को, मतलब कि बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, और HDL मतलब कि अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। इससे आपकी आर्टरीज में ब्लॉक होने के भी चांस बने रहते हैं। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं, डायनाबोल टेस्टोस्टेरोन का ही एक डिसेंडेंट होता है। ये बॉडी पर और फेस पर हेयर्स, मतलब बालों को बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर आप किंग कॉन्ग की तरह नहीं दिखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप डायनाबोल को लेना बंद कर दें, वरना आप बिल्कुल इस फोटो में जो किंग कॉन्ग दिख रहा है, बिल्कुल आप इसी की तरह दिखाई देने लगेंगे। और फ्रेंड्स, मैं अब लास्ट पॉइंट की बात करता हूँ। ये आपके लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये आपके लीवर को डैमेज तक कर सकता है। रेयर केसेस में देखा गया है कि ये लीवर कैंसर तक को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए या बॉडी को जल्दी बनाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालना कोई समझदारी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एक पॉइंट और हमेशा रहता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको ओरली, मतलब मुँह से लेने में तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इसको इंजेक्शन के रूप में लें तो इसके नुकसान देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इसको चाहे आप ओरली लें या आपको इसको इंजेक्शन के रूप में लें, ये आपको दोनों तरीके से ही नुकसान पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।